गाइज, अगर आप लोगों को व्हाट्सएप पे चैट करने का बहुत शौक है तो आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी वर्क फ्रॉम होम की जॉब आई है, जहां पे गाइज आपका जो वर्क है वो व्हाट्सएप के थ्रू लोगों की क्वेरीज को हैंडल करना, उनको गाइड करना, इस तरीके का वर्क आपका रहने वाला है। एंड गाइज, यहां पे आफ्टर सिलेक्शन आपका सैलरी 43,000 रुपीज पर मंथ तक यहाँ पे आपको मिल सकता है। ये बेस्ट पार्ट है। सबसे अच्छी बात गाइज की इस वर्क में कोई सेल्स टारगेट नहीं है, कोई एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। एज ए फ्रेशर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और ये कंप्लीटली रिमोट वर्किंग जॉब है, यानी कि आपको अपने घर से काम करना है। ये सबसे बेस्ट पार्ट है। और गाइस, आफ्टर सिलेक्शन आपको यहां पे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, इंक्लूडिंग जो आप लोगों को एक इशू रहता है कि सर कंपनी से रिवर्ट नहीं आता, तो यहां पे गाइस आप लोगों को रिवर्ट भी जरूर आएगा और कंपनी भी बहुत ही टॉप क्लास है। तो आज की वीडियो में आप लोगों को मैं जॉब की डिटेल, कंपनी की डिटेल, एलिजिबिलिटी, अप्लाई करने का तरीका, सैलरी पैकेज सब कुछ बताऊंगा। पूरा आप लोग ध्यान से समझना। और गाइस, और पहली बार अगर आप इस चैनल पे हैं तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसे जॉब अपडेट के वीडियोस मैं आप लोगों के लिए चैनल पे लेके आता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, आप लोग जो मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, सबसे पहले तो जिस कंपनी के लिए आपको वर्क करना है दोस्तों, कंपनी का नेम है डिट्टो, एक बहुत ही टॉप क्लास कंपनी इंश्योरेंस रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। एंड जिस रोल पे आपको वर्क करना है वो है इंश्योरेंस एडवाइजरी, रिमोट वर्किंग जॉब है। अब सबसे पहले तो गाइस आप अपना काम यहाँ पे समझ लो, आपका वर्क जो है इस रोल के अंदर वो रहने वाला गाइस, आपको जो कंपनी लीड्स प्रोवाइड करेगी आपने उनसे बात करनी है, आपने उनको जो भी डिट्टो की इंश्योरेंस की सर्विसेज है उससे रिलेटेड आपने उनको सारी इंफॉर्मेशन देनी है। ये एग्जैक्टली इसके अंदर आपका वर्क रहने वाला है। वैसे काफी चीजें होती है बट एक बेसिक का मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। अब आप यहाँ पे ना कुछ अच्छी अच्छी चीजें देखो गाइस। सबसे पहले तो इसके अंदर नो सेल्स टारगेट, भाई ये कंपनी खुद कहती है कि हम टारगेट्स पे बिलीव नहीं करते, जितना बेस्ट कर सकते ना उतना बेस्ट आप दो, कोई प्रेशर वाला सीन नहीं है। कोई प्रियर एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, अगर आप एक फ्रेशर हैं आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, आप इस रोल में अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा है, कोई आपको स्पैम नहीं है, कोई मिस सेलिंग नहीं करनी, ऐसा कुछ नहीं करना, बस सर्विसेज के बारे में बताना है आपको। अब इसमें गाइस दो टीम है, दोनों में से आप कोई भी टीम चुन सकते हो। पहला है टीम ब्लिस, दूसरा है टीम फैल्कन। अब ये दोनों में फर्क क्या, क्या मतलब है टीम का? अगर आप गाइस अप्लाई करते वक्त टीम ब्लिस चुनेंगे तो आपका जो 40% वर्क है वो कॉल पे बात करना होगा और बाकी का जो टाइम बच गया वो आपको व्हाट्सएप पे इंटरेक्ट करना होगा लोगों के साथ। इसमें गाइस दो शिफ्ट रहेंगे, यानी कि ये उन लोगों के लिए जो लोग थोड़ा सुबह लेट उठते हैं, तो इसमें आपका वर्क दोपहर के 12 बजे से लेके रात के 9 बजे तक के बीच में रहेगा, या फिर दोपहर के 2 बजे से रात के 11 बजे तक के बीच में, इंक्लूडिंग इसमें ब्रेक भी मिलते हैं। और गाइस अगर आप टीम फैल्कन चुनते हैं, इसमें आपका 60% वर्क कॉलिंग पे रहेगा, बाकी का जो बच गया वो व्हाट्सएप पे रहेगा। इसमें जो है गाइस सुबह 10 से लेकर शाम के 8 बजे तक के बीच में आपको काम करना है। तो रोल ये दोनों नो डाउट बहुत ही अच्छे और बहुत ही मतलब रोल तो सॉरी ये कि दोनों के बढ़िया सिस्टम है, फाल्कन भी और ब्लिस भी, तो आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। अब इसमें गाइस देखो, अगर इन्होंने ये भी कहा है कि अगर आपका कोई इंश्योरेंस वाला बैकग्राउंड नहीं, आपको इसकी नहीं नॉलेज, तो सबसे पहले आपको एक 2 मंथ्स की ट्रेनिंग भी दी जाएगी जिसके अंदर आपको हर एक चीज सिखाई जाएगी। सबसे बेस्ट पार्ट है। अब रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, कंपनी को कैसे लोगों की नीड है। सबसे पहला वो जो पर्सन होगा गाइस उसकी कम्युनिकेशन एक्सीलेंट होनी चाहिए, यानी कि बात करना बढ़िया से आना चाहिए। अटेंशन टू डिटेल, लैंग्वेज हो गया, टेक सेवियंस, इन्फ्लुएंशियल स्किल्स, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कि आपको बातचीत करना आना चाहिए, आप मल्टीटास्किंग कर पाए, है ना, चीजों को हैंडल कर पाए। अब आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलने वाले हैं, तो सबसे पहला है वर्क फ्रॉम होम, यानी कि आप अपने घर से काम कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, इसमें ग्रोथ के बहुत चांसेस हैं, आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा और कॉम्पिटिटिव कंपनसेशन, यानी कि जब आप यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपकी सैलरी 43,000 पर मंथ तक आपको यहाँ पे मिल सकती है। एवरेज जो CTC है 4.54 LPA, सो ये एक बहुत ही अच्छा पैकेज है गाइस। एंड आपको यहाँ पे लीव्स भी मिलती है, और देखिए कंपनी ने क्लियरली लिखा है टेक ए ब्रेक व्हेन यू नीड इट, कि जब भी आपको ब्रेक चाहिए आप ले लो, कोई दिक्कत वाला सीन है, आपसे कोई नहीं पूछेगा क्यों लीव ले रहा है भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा। एंड ऑफ साइड एंड इवेंट्स, इनके इवेंट्स वगैरह भी होते हैं सो दैट कि आपको एक एक्सपोजर मिले। अब इसमें गाइस इंटरव्यू प्रोसेस की भी बात कर लेते हैं, तो इसमें देखो सबसे पहले एक HR इंट्रोडक्टरी कॉल होगा, ये सारा का सारा प्रोसेस एक वीक में कंप्लीट होगा जब आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। उसके बाद आपको एक टास्क मिलेगा जिसमें आपको अपनी स्किल्स को शोकेस करना है, उसके बाद थोड़ा सा और एक टास्क, यानी कि 2 टास्क आपको इसके अंदर मिलने वाले अपने आपको प्रूव करने के लिए, फिर फाइनल मैनेजरियल राउंड होगा, फिर सारा डन हो जाएगा, ठीक है। अब गाइस इसमें एक चीज और है, थोड़ा आप ध्यान से समझना, इन्होंने कहा है कि जब आप इस डिटेल को फिल करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म को, तो आपको अपना एक वीडियो रिज्यूम सबमिट करना है, ठीक है। वीडियो रिज्यूम सबमिट करना मैंडेटरी, यानी कि जैसे आप अप्लाई करेंगे आपके पास एक मेल आएगा, उस मेल में कोई ना कोई लिंक जरूर होगा, या यहीं पे आगे ऑप्शन आ सकता है, मेल भी आ सकती है। और इन्होंने कहा है कि अगर आपको कोई भी इशू आता है तो इन्होंने एक ईमेल आईडी दी है, ठीक है, आप उसी ईमेल आईडी पे मेल कर देना, तो कोई इशू वाला सीन नहीं है। अब इसने नोट भी लिखा है कि भाई ये कंपनी किसी से कोई पैसे वगैरह नहीं लेती,
तो वो चीज का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। सो ये तो थोड़ी जॉब की डिटेल है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, पहली बात यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो ग्रेजुएशन होना जरूरी है, 12वीं पास नॉट एलिजिबल। सेकेंडली गाइस, क्योंकि ये वर्क फ्रॉम होम है तो आपके पास काम करने के लिए सिस्टम होना चाहिए, जितना काम व्हाट्सएप से होना वो तो होना है, बट गाइस बाकी का जो काम है, इन हर कंपनी के अपने सीआरएम टूल्स बहुत चीजें होती हैं तो वो सिस्टम पे ही चलती हैं, तो आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए विद अ गुड इंटरनेट कनेक्शन, और बस यही है। इसके अंदर अप्लाई करने का प्रोसेस समझ लेते हैं गाइस। मैंने अप्लाई नाउ पर टैप किया, सबसे पहले अपना रिज्यूम यहाँ पे आएगा, आपका फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, आपका ईमेल आईडी भरेंगे, आपका मोबाइल नंबर जरूर भर देना। उसके बाद इन्होंने पूछा कि आप जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से कौन सी टीम चुनना चाहोगे, टीम ब्लिस या टीम फैल्कॉन। तो सपोज कि जब मैंने टीम ब्लिस चुन लिया, उसके बाद है कि कैन ज्वाइन राइट अवे, कि आप कितनी जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं, तो मैं लिख दिया कैन ज्वाइन राइट अवे। उसके बाद है करंट सीटीसी, अभी अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो तो आपका पैकेज वहां पे कितना है। तो सपोज कीजिए हम बिल्कुल फ्रेशर है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। आपको इसके बारे में कहां से पता चला, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन, वैसे जो भी लिंक्डइन पे रिसेंटली पोस्ट हुई है, आप लिंक्डइन से, नौकरी पोर्टल से, एनी अदर सोर्स कहीं से भी कर सकते हैं, मैंने लिंक्डइन कर दिया। उसके बाद है आर यू एन एम्प्लॉई रेफरल, कि आपको किसी एम्प्लॉई ने रेफर किया, नो है ना, तो हमें एम्प्लॉई ने किसी ने रेफर तो किया ही नहीं, तो यहाँ पे एन लिख देना। उसके बाद व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग वाइल स्पीकिंग विद क्लाइंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंश्योरेंस एडवाइजरी। तो ये कहना चाहते हैं गाइस कि लिसनिंग की क्या वैल्यू होती है जब आप किसी क्लाइंट से बात कर रहे होते हैं इंश्योरेंस एडवाइजर की पोजीशन के हिसाब से, तो आपको एक बेहतरीन आंसर यहाँ पे लिखना है। तो सपोज अभी मैं एक्स वाई जेड कुछ भी लिख दिया एक बार, कि ये सपोज करते हुए आंसर हो सकता है। नेक्स्ट है डिटर डजंट बिलीव इन स्पैम कॉलिंग बट रेदर स्पीक ऑनलाइन कस्टमर हु बुक कॉल्स विद अस, Why is this good? तो ये कहना चाहते हैं कि डिट्टो ऐसे स्पैम कॉल्स नहीं कराते कि रैंडम नंबर्स पे कॉल किया जाए, वो उन्हीं लोगों से बात करने का आपको मौका देंगे जिन्होंने खुद आके इनकी वेबसाइट पर रजिस्टर किया। तो ये किस तरीके से गुड और क्यों गुड है, तो वो आप यहाँ पे कोई भी अपना अच्छा सा आंसर यहाँ पे लिखोगे। नेक्स्ट है इन नोट मोर देन फोर सेंटेंसेज राइट अबाउट एन एक्टिविटी दैट यू प्रैक्टिस दैट हैज टॉट यू सम वैल्यूएबल लाइफ लेसन, कि आप चार सेंटेंसेज से कम में आप कोई ऐसी एक्टिविटी लिखे जिसने आपको सिखाया हो कोई लाइफ का वैल्यूएबल लेसन, तो वो आप यहाँ पे लिख दोगे जी। उसके बाद ये सारा डिटेल यहाँ पे आने के बाद इन्होंने कहा भी है कि जैसे आप इसको सबमिट करेंगे यू विल रिसीव एन ईमेल रिक्वेस्टिंग यू टू कंप्लीट ए वीडियो टेस्ट। जैसे आप यहाँ पे सबमिट करेंगे आपकी मेल पे इंस्टेंटली आपको एक मेल आएगा जिसमें आपको एक वीडियो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वो कंप्लीट करना है, और वो जो आपको अपलोड करना है वो लैपटॉप या डेस्कटॉप से ही करना है, ठीक है। अगर आपको ईमेल नहीं मिलता गाइस तो इन्होंने कहा है कि अपना स्पैम फोल्डर चेक कर लो या फिर ईमेल कर दो इस ईमेल आईडी पे, या इस ईमेल आईडी से वो आया होगा। तो सारा डन करके आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके लास्ट में आपने सबमिट कर देना है। तो गाइस यही थी वो आज की जॉब अपडेट, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बाकी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है, एंड ये वीडियो गाइस अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ऐसी न्यू न्यू वीडियोस के लिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलेंगे फिर गाइस दोबारा से जल्दी, एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, सो गाइज ये तो था इसका कंप्लीट प्रोसेस। अब जहां तक बात रही इसके इंटरव्यू की प्रिपरेशन की, तो गाइज उसके लिए जैसे मैंने पूरा प्रोसेस तो हालांकि आपको बता दिया, बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक स्पेशल वीडियो का लिंक दिया गाइज, जहां पे हमने बहुत डिटेल में बताया कि ये जो कंपनीज होती हैं यहाँ पे रिज्यूम कैसे शॉर्टलिस्ट होते हैं, कैसे इंटरव्यूज करेक्ट किए जाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप अप्लाई करने के बाद वो वीडियो देख लेना, आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। सो गाइस यदि वो जॉब अपडेट आई हो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ऐसे न्यू न्यू वीडियोस के लिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलेंगे फिर दोबारा से जल्दी कैसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को बेस्ट विशेस, गुड लक, जय हिंद।